पन्ना जिले के पवई शहर में प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ और महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और तहसीलदार ज्योति राजपूत को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में 150 ग्राम प्रति बच्चे की दर अनाज को बढ़ाकर 200 ग्राम प्राथमिक और 300 ग्राम माध्यमिक में प्रति बच्चे की दर अनाज करने की मांग की है। साथ ही 11 सूत्रीय मांगें भी ज्ञापन में लिखी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन भी करेंगे। ज्ञापन में सैकड़ों की संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएं, रसोईया और समूह के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य मौजूद थे। महिलाएं एमबीएम सांधा चूल्हा चलाती हैं और स्कूलों में जो खाना बनता है ये रसोईया है, खाना देती हैं बच्चों को। इसमें जो है कि जो उनका बच्चे का जो रेट है 5 रुपया 45 रुपया पैसा प्राथमिक खंड में है और माध्यमिक खंड में 8 रुपया 17 पैसा है। उनकी मांगे हैं कि 5 रुपया 45 पैसा से बढ़ा के 10 रुपया किया जाए, जो 8 है 17 है उसको 15 रुपया किया जाए। प्राथमिक शाला में जो 5 रुपए 45 पैसे दिए जाते हैं तो उसके 10 रुपए होना चाहिए, और जो माध्यमिक शाला में 8 रुपए 17 पैसे दिए जाते हैं उसके 15 रुपए होने चाहिए। और खाद्यान्न भी उसमें कम है, माध्यमिक में 150 ग्राम दिया जाता है और प्राथमिक में 100 ग्राम दिया जाता है, जबकि 200 में होना चाहिए और 250 माध्यमिक में होना चाहिए, तब पूर्ति हो पाओ। और समय पर ना पैसा मिला ना राशि मिला, और रसमंजन की भी राशि 2000 दी जाती है जबकि 10 होना चाहिए।